अगर आप अपने चैनल पे 200-400 वीडियो डाल चुके हैं और फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर व्यूज आते हैं तो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाते हैं, इसका मेन रीजन ये होता है कि आपकी जो वीडियोस है वो यूट्यूब पर रिकमेंड नहीं हो रही है। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वीडियो रिकमेंड कैसे होगी। वीडियो में प्रूफ आपको दिख रहा है कि मेरी शॉर्ट वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं, और ये सब व्यूज सिर्फ इस वजह से आते हैं कि मेरी वीडियोस रिकमेंड होती हैं लोगों को। और जहां तक मुझे पता है ये बात किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताई होगी आपको। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आप स्किप कर करके ये वीडियो देखने वाले हैं तो भाई मत देखो इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको सिर्फ दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत है। तो सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है ये ऐप जिसका नाम है vidIQ। इस ऐप को ओपन करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो आपको एक छोटा सा डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो छोटा सा अपलोड किया हुआ है, और ये वीडियो मैंने डायरेक्टली यूट्यूब की जो ऐप है उसी से ही अपलोड किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो वीडियो उसे पब्लिक करने से पहले आपको क्या क्या करना है। जो भी आप रिसेंट वीडियो अपलोड करते हो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख जाती है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी इसमें एडिट कर रखे हैं जो कि मैंने यूट्यूब स्टूडियो ऐप से किया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो वीडियो का जो टाइटल है वो कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद जो जो लिखा है वो आप चाहे तो मेरी किसी भी शॉर्ट वीडियो से जाके कॉपी कर सकते हो। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग चेंज करके आप अपनी वीडियोस में उसे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस ऐप के सबसे अच्छे फीचर की, जो कि है कीवर्ड। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब हम कोई वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो जो भी हम सर्च वाले ऑप्शन में लिख के सर्च करते हैं वो कीवर्ड होता है। और जब हम कुछ लिख के सर्च करते हैं तो नीचे आप देखते हैं काफी सारे लिस्ट आ जाती है, वीडियोस आ जाती है, तो वो वीडियोस आपको इजीली दिखाई देती है क्योंकि उन वीडियो में आपने जो सर्च किया है वही कीवर्ड लगा हुआ है। और सेम हम भी वही चाहते हैं कि लोग जब सर्च करें तो हमारी वीडियो भी उन्हें दिखाई दे। उसके लिए कीवर्ड हमें लगाने अपनी वीडियोस में, और कैसे लगाने वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो एक BGMI अनबैन न्यूज से रिलेटेड एक क्लिप है, तो उसके हिसाब से ही मैंने अपने वीडियो का टाइटल लिखा है। और जो टाइटल आप लिखते हो उसके हिसाब से ही यहाँ पे कीवर्ड ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाते हैं। तो आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इन कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सर्च कीवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने हिसाब से कीवर्ड लगा सकते हैं। तो अभी जो मैंने क्लिप अपलोड की हुई है वो BGMI अनबैन न्यूज से रिलेटेड है, और जो यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट हो रहे हैं आप उन्हें पढ़िए एक बार। ये वही चीजें लिखी है जो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो ये कीवर्ड्स लगाने के बाद आप ऊपर चेक कर सकते हैं SEO स्कोर आपको कितना नजर आ रहा है। तो जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसका SEO स्कोर आपको 42 से ऊपर रखना है। अभी यहाँ पे आपको 46 नजर आ रहा है, इसे मैं बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कि टैग का जो काउंट है यानी कि जो कीवर्ड है वो मैं थोड़े और लगा सकता हूँ अभी। तो आप और कीवर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कीवर्ड लगाने के बाद जो आपको काम करना है वो आप ध्यान से देखना। उसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला जो टैब है यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब जो टैग्स यानी कि कीवर्ड्स आपने लगाए हैं वो सेम कीवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में भी लगाने हैं। उसके लिए एक लाइन नीचे आएंगे हम। अभी जो टैग है इस पे प्लस का आइकन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। फिर से एक लाइन नीचे आना है, दूसरा सिलेक्ट कर लेना है, और इसी तरीके से सारे जो टैग है यानी कि जो कीवर्ड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेने हैं। अब आपको सबसे नीचे ये जो ऑप्शन दिख रहा है पब्लिश चेंज टू योर वीडियो, इस पे क्लिक कर देना है। तो अब हो गया है काम कंप्लीट। अब आप YouTube स्टूडियो ऐप खोल के अपनी वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज की। अगर आप अपने चैनल पे ओनली शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और शॉर्ट्स से ही अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए आपको आईफोन। अब आप सोचोगे कि आईफोन का चैनल को ग्रो करने से क्या लेना देना है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि लेना देना है और बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको आईफोन में और एंड्रॉइड में कंपैरिजन बताऊंगा कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि आईफोन होना जरूरी है आपके पास अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर है। तो अभी आप देखिए लेफ्ट साइड में आईफोन है और राइट साइड में एंड्रॉइड है। अब दोनों में कितना डिफरेंस है वो आप समझना। शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए प्लस वाले आइकन पे हम क्लिक करते हैं जो कि दोनों में सेम है, और इस पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन हमें आते हैं वो भी सारे सेम है। तो अब क्लिक करते हैं क्रिएट ए शॉर्ट पे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अब वीडियो को ऐड करने के लिए गैलरी वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं। तो एग्जांपल के लिए दोनों फोन्स में एक वीडियो में अपलोड करके दिखाता हूं। वीडियो ऐड हो चुके दोनों ही फोन में। अभी जो डन वाला साइन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करते हैं। अब दोनों ही फोन में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है साउंड का, इस पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब की तरफ से जो सॉन्ग्स रिकमेंड होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो सबसे ऊपर आपको एक सॉन्ग दिख रहा है सहारा नेम से, जिसे मैं अपनी हर शॉर्ट वीडियो में यूज करता हूँ। तो आप जो सॉन्ग यूज करना चाहते हैं आप उसे ऐसे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। यहां तक आईफोन और एंड्रॉइड में दोनों में सेम चीजें आ रही थी, बट मेन डिफरेंस मैं अब आपको दिखाता हूँ। आईफोन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वॉल्यूम का आपको ऑप्शन मिल रहा है, बट एंड्रॉइड में ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और ये ऑप्शन इतना जरूरी क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आईफोन में वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं वॉल्यूम को एडजस्ट करने के। ऊपर वाला जो वॉल्यूम का ऑप्शन है वो आपकी वीडियो के ओरिजिनल साउंड को कम ज्यादा करने के लिए है, बट जब सेम चीज आप एंड्रॉइड फोन से करते हो यानी कि कोई वीडियो आप अपलोड करते हो उस पे सॉन्ग सेलेक्ट करते हो तो आपने जो वीडियो बनाया है उसका जो ओरिजिनल साउंड है वो बंद हो जाता है, ओनली सॉन्ग प्ले होगा। और जब वीडियो का ओरिजिनल साउंड ही नहीं होगा तो कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करेगा। और जो म्यूजिक यूट्यूब रिकमेंड करता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपकी वीडियो को शॉर्ट फीड में जाने के लिए। फॉर एन एग्जांपल अगर आप भी PUBG BGMI के जो शॉर्ट्स है अपलोड करते हैं यूट्यूब
यूट्यूब पे। और जो सॉन्ग मैंने लगाया है वो सॉन्ग आप भी अगर अपनी शॉर्ट्स में लगाते हैं तो जो लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं और जब वो वीडियोस को स्वाइप करेंगे तो कुछ शॉर्ट वीडियोस के बाद उन लोगों को आपके भी शॉर्ट वीडियो फीड में दिखेगी। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और जिन लोगों ने ये वीडियो बिना स्किप किए देखा है उन लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में कांग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा और आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।